पूर्णिया के तटीय इलाकों में इन दिनों बाढ़ ने आफत मचा रखी है। बाईसी के चंद्रगामा पंचायत अंतर्गत आने वाले सलीम चौक के पास बने पुल के अप्रोच ने एक खाद की दुकान को नदी में समा दिया और पल भर में लाखों का नुकसान कर गया। पीड़ित दुकानदार मौलवी मोहसिन रजा ने कहा कि वो 2017 से खाद की दुकान चला रहे थे। संवेदक की लापरवाही के कारण 5 मिनट में उनकी बसी बसाई दुकान नदी के आगोश में चली गई, जिसमें 2.5 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जानकारी देते हुए पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रहमत हुसैन ने बताया कि इस घटना के लिए RWD के संवेदक जिम्मेदार हैं, क्योंकि सलीम चौक के पास बने पुल के दोनों ओर से मिट्टी हटाकर नए पुल निर्माण का कार्य शुरू कर रहे थे। बाढ़ का समय होने के कारण कार्य को रोका गया और उन्हें मना किया गया। पहले तो संवेदक बात मानकर चले गए, लेकिन फिर बगैर किसी सूचना के कुछ दिन बाद अचानक से मिट्टी निकालकर कार्य को दोबारा से प्रारंभ करने लगे। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो जैसे तैसे मिट्टी भरकर पानी के बहाव को तेज करने का काम किया। आज परिणाम ये हुआ कि लाखों का दुकान पल भर में नदी में विलीन हो गया, जिसका नामो निशान भी नहीं बचा है। उन्होंने अधिकारियों को सूचना देकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। आप देख रहे हैं SGN न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ। दुकान गिरा है, क्या आपका था और कैसे क्या हुआ, कब हुआ? हाँ, मेरा ही था। मैं जब यहाँ 5:30 बजे आया ना जी, बिल्कुल सही सलामत था। उसके बाद मैं घर गया, घर से मतलब आधा घंटे के बाद आए। आने के बाद किसी आदमी ने कहा कि बोले आपका दुकान गिरेगा। अच्छा, तो हम शटर खोले, शटर खोलने के बाद गाड़ी ठो निकाले कि बस फौरन एकदम बिल्कुल दीवार मतलब गिरने लगा। अच्छा, बस 2-4 मिनट ही के अंदर मतलब के समा गया। कितने का नुकसान हुआ आपको? लगभग 2.5 लाख का नुकसान है। क्या था आपका दुकान में? मैं यूरिया था, पोटास था, खाद का दुकान था। खाद का दुकान था, दवाई वगैरह थी। आखिर ये गिरने का वजह क्या, आप बहुत दिनों से यहाँ थे? गिरने का वजह तो 2017 से मेरी दुकान है यहाँ। उस वक्त तो काफ़ी ये ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर भी पानी बह रहा था, मगर उस वक्त कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी ये पुल मतलब के तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर भर दिया तो पानी मतलब कम निकलने लगा, इसी वजह से ये रूम कटा है। क्या नाम हुआ आपका? मौलवी मोहसिन रसा। आखिर कैसे गिर गया ये रोड के पुल जो टूटा है, इसकी वजह से उसमें रूम में क्षति आया है। क्या रूम मजबूत था? बहुत मजबूत था, 2015 में बना। क्या नाम हुआ आपका? रमेश बसा। ये जगह कौन सा? ये सलीम चौक। पंचायत? पंचायत चंद्रगांव। यहाँ के प्रतिनिधि लोग जो इस नुकसान को देखने आए हुए थे? हाँ, मुखिया जी आए थे। इतना बड़ा बड़ा बांध आया, कहीं भी नुकसान नहीं हुआ, कभी भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये पुल जब दोबारा तोड़ के फिर बनवाया, ये बोरा बस्तर देकर के इतना बड़ा पानी में ये बोरा बस्तर रुकने वाला है, लेकिन उसके वजह से जो पानी पा जो मारा सारा दोनों मकान को लेकर, मकान वो देखो सोने वाला मकान भी जाने वाला है और दूसरा भी। इधर देखिए, इधर देखिए, अभी तक कोई प्रशासन कोई अभी नहीं आया है। ये कौन सा जगह है? जगह चंद्रगांव पंचायत है, सलीम चौक है, बहसी थाना। गिर गया नदी में? कैसे गिर गया था, पुल तोड़ने से बाद घर गिर गया। ये क्या आपका रूम मजबूत नहीं था? मजबूत था, मजबूत था, फिर भी कैसे गिर गया? वजह से। अच्छा, पुल में दिक्कत था। कब बनवाए थे ये घर आप? कब बनवाया? क्या नाम है आपका? सलीम चौक के पास एक दुकान टूट कर गिर चुका है। वहाँ के लोगों का कहना है कि संवेदक ने जो बगल में पुल बनाया था उसके कारण टूट चुका है। आप उसको वहाँ पहुँचे थे, क्या देखे और क्या कहना चाहेंगे? जी, वो जो सलीम चौक में जो आज एक मार्केट का रूम जो धस हो गया, पानी पे बह गया, तो संवेदक कुछ दिन पहले आए, आकर के वो देखे और ये दोनों तरफ जो है माटी भी निकाल लिए वो। लेकिन हम लोग वहाँ गए तो बोले कि भाई अभी तो काम नहीं हो पाएगा, बरसात का सीज़न है, अब बरसात के सीज़न के बाद ही काम चालू करना है। तो फिर हम लोग मिट्टी भरवा दिए और फिर संवेदक का क्या हुआ, अचानक आकर के वो दोनों साइड में जो है उनको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो डाबरेशन बनाया वो भी सक्सेस नहीं रहा। फिर वहाँ का स्थानीय ग्रामीण जो है परेशान रहे, आवागमन बंद रहा। तो फिर हम लोग जा करके संवेदक को बोले कि भाई फिर तुमको दोनों तरफ भर दो। वहाँ भरने के वजह से पानी जो शॉर्ट हुआ, पहले तो खुला जगह था, अभी पानी शॉर्ट हो गया, उसी कारण से अभी जो है पानी का रेत जो है तेज चलने लगा। बगल वाला जो रूम था उसका माटी आहिस्ता आहिस्ता निकलते निकलते आज सुबह तकरीबन
6 से 7 बजे का टाइम है, एक रूम जिसमें खाद की दुकान थी। उनको तो भारी नुकसान हुआ है, उसके मुआवजा के लिए आप क्या कहें? जी जी, हमने अंचल अधिकारी को भी सूचना दे दी है और कर्मचारी भी आए अपना रिपोर्ट लेके गए हैं और ग्रामीण विभाग के जो सबको भी बोले, जे सबको भी बोले, सूचना हम दे दी।